अगर आप होंडा की बाइक ले रहे हो प्लीज अवॉइड लीडर्स होंडा, क्योंकि अगर हम हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई बेसिकली द थिंग इज, आप जैसे जानते हो मैंने लास्ट 18 तारीख दैट इज लास्ट मंथ का 18 तारीख को मैंने लिया था यूनिकॉर्न का डिलीवरी। तो मैं थोड़ा बात यूनिकॉर्न के मतलब लीडर्स होंडा के बारे में कुछ बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम फेसिंग अ रियल बैड टाइम विद द बाइक। तो फिलहाल बात करें, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं फिलहाल हूँ रस्ते पर। जैसे मैं बोल रहा था मैं जो लीडर्स होंडा है उसके बारे में कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि मैंने यूनिकॉर्न का डिलीवरी लिया लास्ट मंथ के 18 तारीख को, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ दिन पहले ये वीडियो डाला हूँ यूनिकॉर्न का डिलीवरी का, बट एज मैंने इस चैनल में वापस आने के बाद मैं बोला था कि पुराने और नए मिला के मैं वीडियो में जो स्टोरीज है वो कंप्लीट करूँगा। तो इसलिए टाइम के शॉर्ट है कि चलते ही मैं वीडियो जो है अभी अभी डाला हूँ। तो रियल थिंग है कि मैंने 18 तारीख को यूनिकॉर्न का डिलीवरी लिया है। आज है 15th of November 2019 और एक महीने हो गया है बाइक का, अभी तक CF भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो CF नहीं हुआ है, क्या बोले उसको, बंद था, बट एक महीने नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मेरे बाद मेरा एक दोस्त है वो बाइक डिलीवरी लिया, उसका CF भी होकर उसका नंबर भी पंच हो चुका है, बट अभी जो है मेरे बाइक का CF भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी मैं कंसीडर कुछ देर तक कर सकता हूँ, ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम था, उन लोगों ने फाइल जो है लेट जमा दिया है, बट नहीं लगना चाहिए, फिर भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप होंडा की बाइक ले रहे हो प्लीज अवॉइड लीडर्स होंडा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ये बिहेवियर कर रहे हैं तो आप सबके साथ भी कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी रूड। मेरा जो क्या बोले जो सेल्स गर्ल था उसका नाम था गुड़िया, ठीक है। तो पहले जो जब मैं डिलीवरी लेने गया था बाइक, तो उन लोगों ने बोला था कि दिवाली करने दो, दिवाली के बाद आपका दिवाली के अगले हफ्ते ही आपका CF हो जाएगा और जो नंबर है उसका 10-15 दिन बाद हो जाएगा, दैट्स यूजुअल, ठीक है। बट अभी दिवाली के हो गए करीब करीब, लास्ट मंथ के 27 को दिवाली था, 28 को दिवाली था, ठीक है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, और एक महीना हो गया अभी तक CF नहीं है। अभी मैं जब कॉल कर रहा हूँ मेरे पास हर एक कॉल का रिकॉर्डिंग है, वो मुझको घुमा रहा है, हर एक हफ्ते में मुझे फ़ोन कर रहा, मैं बोलो सर अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, और जब मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ क्यों इतना टाइम लग रहा है, दे आर सुपर रूड। वो मुझे बोल, अभी के लिए वो मुझे बोल रहा है कि ये होंडा है ये टाइम लगता है, ठीक है, होंडा का बाइक में टाइम लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई होंडा है तो क्या हुआ, ठीक है होंडा का बाइक कंपेरेटिवली ज़्यादा बिकते हैं, बट द थिंग इज होंडा का जो बाइक है वो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, एंड लगे तो लगे थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ कॉल फ्रॉम देयर एंड नॉट फ्रॉम माई एंड, ठीक है। उन लोगों का डर से, उन लोगों का दिन में 1000 या 1 लाख बाइक सेल हो, मुझ मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। उन लोगों का 1 लाख बाइक भी दिन में अगर डिलीवरी हो तो वो लोग मुझे अभी बता रहे आपका एक बाइक डिलीवरी किया है, हम दिन में 1000 बाइक डिलीवरी करते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, मेरे से कोई मतलब नहीं है कि उनका कितना बाइक डिलीवरी होता है नहीं होता है, मेरे को मेरे बाइक से मतलब है, ठीक है। तो अभी के लिए वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक होगा CF और दिसंबर में होगा नंबर, ठीक है, ये वो मुझे पोलाइटली भी बता सकते थे। बट द थिंग इज, मुझे इधर पे खराब लगा कि मैं शोरूम गया हुआ था, ठीक है, कि शोरूम में जाकर थोड़ा बात करने से होता है या नहीं होता, वो लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे बाइक देके एहसान कर रहे हैं कि मैंने उनका बाइक खरीदा है, मैंने उन्होंने मेरे ऊपर एहसान कर दिया कि बाइक डिलीवरी करके। वो इतना रूड था, जो गुड़िया है जो सेल्स गर्ल, वो इतना रूड है कि वो लिटरली मेरे ऊपर चिल्ला रहा था कि जाइए जाइए इधर से नहीं होगा, मैंने बता दिया है उस दिन नहीं होगा, उसके पहले नहीं होगा, व्हाट इज दिस ब्रो, मैंने पूरा पैसा दे के, मैंने पूरा कैश पैसा दे के खरीदा है बाइक, 1,02,000 इज नॉट अ मैटर ऑफ जो, ठीक है, पैसे को छोड़ो, हम लोगों का जो टाइम है उसका भी एक वैल्यू होता है, आप
पोलाइटली भी बता सकते हो, जो टोन है स्पीच का वो सबसे बड़ा मैटर है। अगर वो मुझे पोलाइटली कहते कि सर थोड़ा फाइल सबमिट करने में लेट हुआ, आपका इस दिन में हो जाएगा, तो अलग बात था। वो लोग मुझे अभी चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर कि हम लोग इसी दिन करेंगे, उसके पहले नहीं होगा, आप जो भी करना है कर लीजिए। तो मैंने क्या सोचा है कि आई विल बी मीटिंग होंडा, इफ एनी वन फ्रॉम होंडा इज वॉचिंग दैट प्लीज टेक इट इन कंसिडरेशन। देखो भाई मेरा रीच, मेरा मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा रीच शायद कम हो, बट ऐसा आप में से बहुत सारे हैं जो लीडर्स होंडा को पहचानते हैं। कोलकाता में होप सो ठीक ठाक उनका शोरूम है, मतलब अच्छा खासा नाम है, बट ये जो सेल्स गर्ल्स है इनके चलते आपका जो शोरूम है उसका नाम डूब रहा। मैंने होंडा को मेल किया है सेल्स गर्ल का नाम लेकर, और मैं वीडियो में इसलिए सेल्स गर्ल का नाम लिया क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा ये चीज़ कि देवेज टाइम लग रहा है ठीक है, बट रूड क्यों हो रहे हो। मैं कोई बिना हक का कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है। कल मैं गया था शुरू में, मुझे इतना खराब लगा, मैं ऐसा सोचा कि मैं होंडा लेके गलती कर दिया। भाई लीडर्स होंडा एक बहुत, मतलब मैं लीडर्स होंडा या फिर होंडा को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर्स होंडा का, हाँ ठीक है लीडर्स होंडा को मैं ब्लेम कर सकता क्योंकि मैंने सेल्स गर्ल को देखकर नहीं बाइक लिया, मैंने लीडर्स होंडा को देख के बाइक लिया है। होंडा को मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि होंडा तो बाइक बनाते, सेल तो ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग ही करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब आपका नाम है कल डूब भी सकता है क्योंकि वी आर दी कंज्यूमर्स ऑफ योर बाइक। अगर आप हम लोगों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो फिर आज आपका बाइक सेल हो रहा है कल बंद, बहुत सारा ऐसा शोरूम से जो बंद हो गया, एक टाइम में बहुत बिजनेस किया ठीक है। तो ऐसा पकड़ के मत चलो कि हम लोग लीडर्स होंडा में काम करते तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई हैव ईच एंड एवरी प्रूफ, मेरे पास डिपॉजिट स्लिप है, मनी रिसीट है, मेरे पास हर एक कॉल का रिकॉर्डिंग भी है क्योंकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड होता है कॉल्स ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि हम लीडर्स होंडा में काम करते हैं तो इसलिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, ये दिस इज़ नॉट फेयर ठीक है। ठीक है मैं वेट करूँगा, मैंने होंडा को मेल किया, अगर होंडा की तरफ से कुछ रिपोर्ट बैक आया तो अच्छा है। मैं इसलिए शेयर किया ये स्टोरी मेरे ब्लॉग के तरफ क्योंकि आज कोई ब्लॉग नहीं किया, आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप होंडा ले रहे हो प्लीज़ अवॉइड लीडर्स होंडा, टोडी होंडा, बहुत सारे होंडा का डीलर्स है, लो तो उनसे लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लीडर्स होंडा से मत लो क्योंकि अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो ही सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हो सकता है। मैं जब बुकिंग करने गया था देवा सुपर पोल लाइट, वो एकदम क्या बोले, एकदम जैसे आज ही कर देंगे ये वो, बट जब बुकिंग हो गया उनका पूरा भोल पलट गया, उन लोग का वे ऑफ टॉकिंग भी पलट गया। वो लोग ऐसा लग रहा है, अभी मुझको ऐसा लग रहा है कि वो लोग एहसान किया मेरे को बाइक दे, मैंने पैसा दिया है, मैंने बाइक लिया है, पर वो मुझे एहसान कर रहा है बाइक को, व्हाट इज दिस। तो जो भी है ये इतना तक ही था, तो मैं आज का ये ब्लॉग नहीं था, आज मैं जस्ट बताने के लिए बोला, और मैं रास्ते के साइड पे हूँ, अगर थोड़ा गाड़ी का आवाज़ वावाज आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मेरा बहुत दिमाग गर्म है, तो मैंने सोचा कि जस्ट शेयर करूँ। तो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस वीडियो आउट हियर, तो अगर देख लो अगर अच्छा लगे तो, अगर आप नए हो चैनल में पुराना वीडियोस देखो, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, और ये मैं इधर पर ही एंड कर रहा हूँ। तो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस वीडियो, हमेशा याद रखना इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट।